हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरजीत की रसोई। आज मैं जिंजर और गार्लिक को अलग अलग मेथड से पील करना बताऊंगी, जिससे आप 1 kg तक भी जिंजर और गार्लिक को मिनटों में पील कर सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। यहाँ मैंने थोड़े से गार्लिक बंच लिए हैं, जिन्हें हम इन मेथड्स का यूज करके पील करेंगे। पहले मेथड में हम एक गार्लिक बंच लेंगे और इसकी क्लॉप्स को अलग करेंगे और स्टेम को अलग कर लेंगे। ये देखें, क्लॉप्स अलग हो गई हैं, स्टेम अलग हो गई है। अब जो कोई भी क्लॉप्स दो दो जुड़ी हुई हैं उन्हें अलग कर देंगे। अगर आपको थोड़े से गार्लिक की ज़रूरत है तड़के आदि के लिए, तो इस मेथड से आप फटाफट छील सकते हैं। इसके लिए एक हमें बड़े नाइफ की ज़रूरत होगी। एक गार्लिक क्लॉव को लेंगे, नाइफ के नीचे रखेंगे और दूसरे हाथ की हथेली से हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह दूसरे क्लॉव रखेंगे और उसे भी प्रेस कर देंगे। इस तरह से जितने गार्लिक की आपको ज़रूरत है उसे आप प्रेस कर लें। इस तरह से प्रेस करने से गार्लिक क्लॉव्स फ्लैट हो जाती हैं और आसानी से छिल जाती हैं। अब हम इन्हें छीलेंगे तो आप देखेंगे कितनी आसानी से ये छिल रहे हैं। इस मेथड का यूज़ आप सूखे हुए गार्लिक पर ही करें। गीले गार्लिक पर, जो नया गार्लिक होता है गीला, उस पर ये यूज़ ना करें। अब ये देखें कितनी आसानी से हमारा गार्लिक छिल रहा है। ये मैंने छील लिया थोड़ा सा गार्लिक। अगले मेथड के लिए एक गार्लिक बंच को लेंगे, उसे भी हम इसी तरह क्लॉप्स अलग करेंगे। चाहे तो आप इस तरह हथेली से दबाकर इसकी क्लॉप्स अलग कर लें और स्टैम्प अलग कर लें। और अब हमें ग्लास का जार ले लेंगे, उसमें सारी क्लॉप्स डाल देंगे, बंद करके उसे हम 40 से 50 सेकंड के लिए इस तरह शेक करेंगे। ग्लास का जार काफ़ी मोटा होता है, इसमें ये क्लॉप्स टकरा टकरा के आगे से खुल जाएंगी। ये देखें काफ़ी देर मैंने शेक कर लिया, अब इसको खोल कर देख लेते हैं। अब ये देखें काफ़ी तो गार्लिक की क्लॉप्स ऐसे ही छिल गई हैं। जो छिल गई हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे, बाकी की हम अभी छील लेंगे। ये देखें ये मैंने अलग कर दी हैं, अभी इन्हें बाकी जो रह गई हैं उन्हें हम छीलेंगे। वो भी आसानी से छिल जाएंगी क्योंकि आगे से टकरा टकरा कर खुल चुकी हैं। अब अगले मेथड में हम एक गार्लिक बंच लेंगे, उसे माइक्रोवेव में 25 सेकेंड के लिए रखेंगे। अब इसे हम इस तरह से क्लॉप्स अलग करके छीलेंगे। अब आप देखें ये भी बहुत आसानी से छिल जाती हैं। इस मेथड से भी गार्लिक बहुत आसानी से छिल जाता है। ये तीनों ही मेथड सूखे गार्लिक के लिए हैं। गीले गार्लिक पर आप इन मेथड्स का यूज़ ना करें। अगर आपके पास गीला गार्लिक आ गया है तो आप उसे अगले मेथड का यूज़ करके छील सकते हैं। ये देखिए मैंने छील लिया है, बाकी का भी इसी तरह छील लेंगे। ये मेरा अगला मेथड है। इस मेथड से आप ज़्यादा क्वांटिटी में गार्लिक को छील सकते हैं। इस तरह से गार्लिक की कलियां अलग कर दें और स्टेम्प को अलग कर दें। जितना गार्लिक चाहिए उतना ले लें और इसे गर्म पानी में डाल दें। इसको थोड़ा हिला दें ताकि सारी कलियाँ पानी में डूब जाएँ। गार्लिक क्लॉव्स को हमें गर्म पानी में 1 मिनट से कम टाइम के लिए रखना है। इससे ज़्यादा देर अगर रख देंगे तो ये गार्लिक क्लॉव्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और इन्हें छीलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मिनट से कम टाइम के लिए इसे गर्म पानी में रखना है। अब बॉइल भी आ गया है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब मैंने इसमें से गर्म पानी काफ़ी निकाल दिया है और थोड़ा ठंडा पानी मिला लिया है ताकि मैं इसको हाथों से रब कर सकूं। अब आप देखेंगे मैं इसको हल्का हल्का ही रब कर रही हूं। गार्लिक क्लॉव्स अलग होते जा रही हैं और छिलका अलग होता जा रहा है। इस मेथड से आप 1 kg तक भी गार्लिक को बड़ी ईजिली छील सकते हैं। अगर आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना है तो इस मेथड से आप इसको छील सकते हैं। जिंजर गार्लिक के पेस्ट की वीडियो भी मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूंगी, आप देख सकेंगे। इस तरह से मैं सारे गार्लिक को निकाल लूंगी।
ये देखे मैंने सारा गार्लिक निकाल लिया है और जो अब छिलके बच गए हैं इसे हम थ्रो कर देंगे। अब आप देखें कितना सारा गार्लिक मिनटों में छिल गया है। अगला मेरा मेथड है जिंजर के लिए। जिंजर को अगर हम नाइफ से छीलते हैं तो काफ़ी मोटा छिलका उतरता है, आज हम इसे स्पून से छीलेंगे। स्पून से आप देखेंगे बहुत ही ईजिली छिल जाता है और छिलका भी बहुत पतला उतरता है। अगर आपको कम क्वांटिटी में जिंजर की ज़रूरत है तो आप इस तरह से इसे छील लें। ये देखिए कितनी ईजिली छिल जाता है और आप देखेंगे छिलका भी इसका बहुत ही पतला उतरा है। ये देखिए अगला मेरा मेथड भी जिंजर के लिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जिंजर चाहिए है तो आप इसको इस तरह से कट करें, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। इस मेथड से आप 1 kg तक भी जिंजर को छील सकते हैं बड़े आराम से। इस तरह से सारे जिंजर को छोटे पीसेस में कट कर लें और एक बाउल में नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ले लें और इस जिंजर को इसमें डाल दें और 1 मिनट के बाद आप इसे हाथों से रब कर दें। ये देखें इस तरह से मिनटों में इसका छिलका अलग होता जाएगा। आप देखेंगे मिनटों में ये सारा जिंजर छिल जाएगा। आजकल मार्केट में जिंजर को एसिड वाले पानी से धोकर बेचा जा रहा है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर हम इस मेथड से जिंजर को छीलते हैं तो एसिड के इफेक्ट को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। अब ये देखें सारा छिल गया है, इसे मैं साफ पानी से धो लूँगी एक बार। ये देखें मैंने इसको धो भी लिया है, ये हमारा कितना सारा जिंजर मिनटों में छिल गया है। ये मेथड भी बहुत अच्छा है, आप इसका यूज़ घर पे करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।